प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेस्पेक्टेड केसी वेणुगोपाल जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेबल एमपी, हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी ऑनरेबल एमपी, जहां पे बैठे हुए हमारे सीनियर साथी तारिक हमीद करा साहब, तारा चंद जी एक्स डिप्टी सीएम, जी मीर साहब एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, रमन बल्ला साहब वकील प्रेसिडेंट जेके पीसीसी, पीरजादा मोहम्मद सिंह साहब हमारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, नीरज कुंडन जी नेशनल एनएसयूए प्रेसिडेंट और बाकी सारे साथी, आज खुशी का मौका है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार पिछले साल से जब डीएपी बनी थी, आजाद साहब जो है पार्टी छोड़ के चले गए थे, तब से कंटिन्यूअसली ज्वाइनिंग हो रही है। पिछले साल आपने देखा एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद जी, हमारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट मिर्जादा सईद साहब कुछ महीने के बाद ही उस पार्टी से वापस चले आए। तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी हर आदमी को, हर तबके को, हर रीजन को एक्सेप्टेबल है, और इसलिए कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं, जो सेकुलर किरदार है, जो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा, हमने हमेशा अच्छा सोचा है, उसकी पॉलिसीज को लेकर आज सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं पहले हमारी ऑनरेबल रजनी पाटिल जी को कहूंगा, वो बुके पेश करेंगे। खड़गे जी को और कैसे वेणुगोपाल जी को मैं भी अपनी तरफ से लेके बुके पेश करूंगा। तारिक हमीद करा साहब अपना बुके पेश करेंगे। ताराचंद जी, जी मीर साहब, बलवान सिंह जी, हमारे पास जो आज ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यशपाल कुंडल जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, दो तीन टाइम लेजिस्लेचर भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी के एसटी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, जेएनके के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से सांबा से हैं, वो आज पहले यहाँ पे माला डालेंगे। यशपाल कुंडल जी, हाजी अब्दुल रशीद डार साहब जो कांग्रेस में पिछले 40 साल से थे, अभी जनरल सेक्रेटरी बने थे आजाद साहब की डीएपी में, तो आज कांग्रेस मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी स्टेटस रहा इनको। श्री नरेश गुप्ता जी, नरेश कुमार गुप्ता जी बहुत सीनियर मोस्ट कांग्रेस मैन है, डोडा डिस्ट्रिक्ट से दो बार एमएलसी रहे हैं, काफी पद कांग्रेस में लिए हैं और आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। श्यामलाल भगत जी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है जम्मू प्रोविंस के, फार्मर एमएलसी हैं, एससी कम्युनिटी से डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आज कांग्रेस में शामिल हुए। नम्रता जी, फार्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी और एनएसयूआई में भी रही हैं, कांग्रेस में भी कॉरपोरेटर भी रही हैं, आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत बहुत मुबारक है। साइमा जान जो कश्मीर में वुमेन विंग डीएपी की प्रेसिडेंट थी और डीडीसी इलेक्टेड मेंबर भी हैं, चौड़ोरा बड़गाम से, साइमा जान भी आज ज्वाइन कर रही है। शाहजहां डार साहब डीडीसी मेंबर सोपुर से हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं आज। प्रोफेसर फारूक अहमद आगा साहब फॉर्मर डायरेक्टर हैं सुकास्ट के, श्री कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन थे ग्रामीण सेल के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तरनजीत सिंह टोनी जी
जिन्होंने बीजेपी का सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हराया डीडीसी में, और बहुत मजबूत लीडर है वो भी, आज आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, जम्मू में ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस में। गजनफर अली साहब रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं, केस शिया कम्युनिटी से हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। संतोष मंजोत्रा जी जो पहले कांग्रेस में 30 साल रही, सेक्रेटरी पीसीसी के 3 बार रही, जनरल सेक्रेटरी रही, अभी डीएपी में स्टेट सेक्रेटरी थी, अभी कांग्रेस में ज्वाइन कर रही है। रजनी शर्मा जी प्रोविंशियल सेक्रेटरी डीएपी की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। निर्मल मेहता जी भी आएंगे जो जोनल सेक्रेटरी है डीएपी के। मदन लाल जुगोत्रा जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है अपनी पार्टी के। हिम्मत सिंह भट्टी जी जाट लीडर है बहुत मशहूर, वो भी ज्वाइन करेंगे। रमेश पंडोत्रा जी रिटायर्ड एसएसपी हैं, सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, तीनों यहाँ पे आएंगे। वेदराज वर्मा जी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वेदराज शर्मा जी। मनदीप चौधरी जी जो बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी थे यूथ के, वो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। नजीर अहमद अवकाफ चेयरमैन सोपूर से,